और एक बार हम तमिलनाडु भी जाना चाह रहे हैं अगले अगले महीने। हम चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप से मुलाकात करके भी एक बार हम लोग आपस में थोड़ा तय करें कैसे क्या करना है। मनीष कश्यप आपके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिए, बिहार की बेहतरी के लिए। आज आपकी आवश्यकता है, आप घर बैठकर केवल कमेंटबाजी मत कीजिए, आपसे जितना बन सके नमस्कार। समर्थन अभी हमारे कीजिए। साथ राष्ट्रीय जन जन पार्टी के संस्थापक संतोष कुमार जी हैं, और आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो अभी तमिलनाडु के मदुरई जेल में है, और उनके लिए आवाज लगातार उठाते हुए नजर आते होंगे। और गो बैक स्टालिन का नारा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, उसी समय ये आ रहे थे दिल्ली से बिहार, उस समय इनको नजरबंद कर दिया। क्या लगता है आपको, बिहार सरकार डर गई है? अब तो ये सरकार बताएगी कि डरी है कि शर्माई है। आपको नजरबंद क्यों किया गया? हमें नजरबंद किया गया कि उन्हें लग रहा था कि आशुतोष कुमार को नजरबंद करने से जो स्टालिन का विरोध होना है या उनको काला झंडा दिखाना है वो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हमारे पटना में भी साथी प्रदर्शन किए, हालांकि काला झंडा उनको नहीं दिखाने दिया गया। इतने मुस्तैद कर दिए गए प्रशासन को कि जहां भी चार पांच लोग भी इकट्ठे होते थे उनको उठाकर अलग अलग थानों में भेज दिया जाता था। और लेकिन बिहार के दर्जनों जिला में विरोध हुआ और वहां लोग गो बैक स्टालिन का नारा लगाए, काला झंडा लेकर पोस्टर लेकर उनका विरोध किया। क्या लगता है कब तक न्याय मिल जाएगा मनीष कश्यप को? देखिए, अब तो न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन न्यायालय पर भरोसा है और जल्द ही न्याय मिलेगा। अच्छा, आप इसके लिए अगला कदम क्या होगा आपका? मानिए उस दिन रोक दिया गया। देखिए, अब तो एक और घोषणा किए थे कि हम मनीष कश्यप के गांव से, उनके घर से पटना तक पैदल मार्च करेंगे। राज्यपाल भवन तो एक बार परिजनों से मिलेंगे, इस पर भी सहमति यदि सबकी रहेगी तो करेंगे। और एक बार हम तमिलनाडु भी जाना चाह रहे हैं अगले अगले महीने। हम चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप से मुलाकात करके भी एक बार हम लोग आपस में थोड़ा तय करेंगे कैसे क्या करना उचित होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आशुतोष कुमार जी अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपनी पार्टी का नाम चमका रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? जो आरोप लगा रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन हमारे तरफ से उनके लिए सुझाव है कि आपके पास भी अच्छा मौका है अपना चेहरा चमकाने का। आप ऐसी कमरे में बैठकर केवल कमेंट मत कीजिए, केवल आरोप मत लगाइए। अभी सबसे ज्यादा मनीष कश्यप को आपकी आवश्यकता है, और आप समर्थन करने के बजाय लिख रहे हैं कि हम चेहरा चमका रहे हैं। तो आइए, यहाँ खूब बढ़िया चेरी का पॉलिश रखा हुआ है, आप भी अपना चेहरा चमका लीजिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसी बहाने कम से कम मनीष कश्यप के लिए आप आवाज तो उठाएंगे, और हम ऐसा तो नहीं किसी को मना कर रहे हैं कि आप मत चमकाइए। अरे, हम काम कर रहे हैं, हम गिरफ्तार हो रहे हैं, हमको नजरबंद किया जा रहा है, हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, हमारे ऊपर FIR हो रहा है, हमारे पार्टी और संगठन के साथी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो चेहरा आपका घर में बैठ के चमकेगा? आप भी बाहर आइए, जेल जाने को तैयार रहिए, लाठी खाने को तैयार रहिए, FIR झेलने को तैयार रहिए, नजरबंद होने को तैयार रहिए, आपका भी चेहरा चमकेगा। तो खाली वो लोग हैं जो बुजदिल लोग हैं, जिनको अच्छा, जिनको डर लगता है कि हम सड़क पे उतरेंगे तो पुलिस लाठी चलाएगी, FIR हो जाएगा, मम्मी बाबू घर से जाने नहीं देंगे। ये वो बुजदिल लोग हैं जो घर से निकल नहीं सकते और उससे वो बचना चाहते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं तो चेहरा चमका रहे। अरे, आप भी चमका दो। आपको अपहरण किया गया था या नजरबंद किया गया था? बहुत सारे इंटरव्यू में आप बोल रहे थे कि अपहरण किया गया है। मेरे नजर में वो सरकारी अपहरण था, जो सरकार के आदेश पर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपहरण किया गया था। चूंकि अपहरण ये कैसा होता है जिसमें परिजनों से बात नहीं कराई जाती है, इसमें बाकी बड़ा से बड़ा अपराध में घर वालों को प्रशासन सूचना देती है। इसमें 18-20 घंटे तक मेरे घर वालों को सूचना नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। तो ऐसा मामला तो अपहरण में ही होता है, गिरफ्तार। अच्छा, एक मंच पे आप मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव को बैठाए थे, क्या लगता है अभी से आप बात करके मामला को सुलझा भी सकते हैं? देखिए, अब बात करने के लिए कहीं बात बची नहीं। प्रयास किया गया था हमारे तरफ से, लेकिन सफल नहीं हुआ, इसलिए अब बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब हो अच्छा गया वो देखे, देखा जाएगा, अब देखा जाएगा अच्छा जरूर। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव गुजरातियों को ठग कहते नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, या एनएस से लगना चाहिए कि नहीं? तो गुजरातियों के ऊपर, गुजरात सरकार के ऊपर निर्भर करता है, इन्हें से लगाए कि नहीं लगाए। अच्छा, बाकी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि देखिए, आज एक बिहार के बेटे कल
का मुंह बंद कराया गया है, उसको चुप कराया गया है, कल आपका भी मुंह बंद कराया जाएगा, आपके बेटे पोते का भी मुंह बंद कराया जाएगा, जो भी युवा पीढ़ी आगे निकलना चाहेगी उसको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा उसकी आवाज को। तो आज मनीष कश्यप आपके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी बिहार की बेहतरी के लिए, आज आपकी आवश्यकता है। आप घर बैठकर केवल कमेंटबाजी मत कीजिए, आपसे जितना बन सके समर्थन कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सब लोग सड़क पे ही उतर के समर्थन करें, लेकिन आप जहां हैं वहीं से कम पॉजिटिव बात लिखिए, सकारात्मक बात लिखिए, ताकि उनके कम से कम जो घर में है जो पीड़ित परिवार वो पढ़े तो उनको दुख ना हो, उनको ये लगे कि मेरा बेटा बिहार के लिए लड़ा है तो बिहार के लोग उसके लिए अच्छा लिख रहे हैं। बाकी हमारे साथ दोस्त कुमार जी थे, आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। अगर मनीष कश्यप सही है तो समर्थन कीजिए, और गलत काम किए हैं तो विरोध भी कीजिए, लेकिन आवाज जरूर उठाइए। धन्यवाद।